ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ستيز بر تشي فرما علماء كرام جماعة الجمعية كي زمداران इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान और दीगर अमायदीन शहर और बहुत देर से सब्र तहमल के साथ बैठे हुए दूर दराज से आए हुए मेरे इस्लामी माएँ और बहने और इस्लामी भाइयों सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ उस रब करीम ने हम तमाम को दुनिया की सबसे बेहतरीन सरज़मीन अल्लाह का घर मस्जिद में बैठ कर सबसे बेहतरीन बातें क़ुरान हदीस की और सबसे बेहतरीन कौल अल्लाह की तरफ़ बुलाना है इसको सुनने और सुनाने की तोहफ़ी रानी बख्शी है जिस पर हमें और आपको अल्लाह का شكريا ہے سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعده درود سلام نازل تمام انبیاء و مرسلين پر خصوصا آخر نبي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات گرامی پر اللهم بارك وسلم و على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين जरीन कबल इसके के मैं अपने मौजू को लेकर आगे बढ़ूँ यहाँ जो एक बेहतरीन रूह परवाज़ माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर में इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि जामिया और जमीयत का बाहमी रब्त, जामिया और जमीयत का जो है बाहमी रब्त, उलामा और उमारा का बाहमी रब्त ये बहुत बड़ी बात है उलामा और उमारा के बाहमी रब्त और जामिया और जमीयत के बाहमी रब्त यही इन तमाम कद्द काविशों के बेहतरीन बरक़ात और उसके नतज का सबसे बेहतरीन महर्रिक है और यही सबसे बुनियादी सबब है बयान करते हैं कि सऊदी अरब जो आज सारी दुनिया में तोहहीद का मरकज मम्बा है इसके पीछे भी यही राज कार फरमा है कि ओलामा और उमारा के बाहमी रब्त, और वहां के तालीमी इदारे के साथ साथ मसाजिद मदनी ओलामा यहां पर मौजूद हैं उनको पूछें कि इन्होंने जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा से जितना इल्म हासिल किया मस्जिद नववी से भी कोई कम इल्म हासिल नहीं किया इन्होंने हाँ तो देखो ये यही गोया क्या असल बुनियाद हैं और अल्लाह का करम है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका तालमेल है अल्लाह बाकी रखे नज़र बद से महफूज़ रखें और अल्लाह ताली इसको तामत ता बेहतरीन अंदाज़ में कामयाब करें और दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरीन तोशा बनाए आमीन और फिर ये जो कोर्स शॉर्ट कोर्स जिसको क्रैश कोर्स कहा जाता है दौरा मुस्कफ़ा जो है ये जो आप चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि अलहदुल्ल आप पंद्रह साल से ऊपर वाले चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो खात हो सब के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अलहमद ला मैं स्कूलों से भी जुड़ा हुआ हूँ स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ आज सेवंथ से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं सेवन में रहने वाले बच्चों की एज होती है तकरीबन तेरह साल या बारह साल बारह तेरह चौदह साल समझ लीजिए यानी पंद्रह से नीचे भी अहम उम्र है ये जिसको मुराहकत की उम्र कहा जाता है इस उम्र में उनके बहकने के बड़े चांसेस रहते हैं इस उम्र में बच्चों की आपने तरबियत कर दी वो आगे नाकाम नहीं होगा भटकेगा नहीं हम देख रहे हैं कि स्कूलों में और कॉलेजों में आज मुनजम तरीके से साजिश के तहत हमारे बच्चों के दरमियान गलतफहमियां फैलाई जा रही है चंद दिन पहले की बात है कि स्कूल का एक तालिब ने आकर कहा कि शेख कुछ गैर मुस्लिम मेरे दोस्त ने मेरे दिमाग में कुछ बातें डाल दी है और जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ क्या बातें डाली है कहा कि देखो तुम्हारे सहाबा जिनसे तुम इतनी उल्फत मोहब्बत लगाव रखते हो सहाबा आपस में लड़े हैं देखो एक तरफ हज़रत अली हैं एक तरफ मावी रजी अल्लाह तुआ है इनके दरमियान जंगे हुई हैं, तलवारें सोत लिए हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं अब देखो ये क्या असबाब हैं और क्या बातें हुई बातें हैं लेकिन गैर देखो किस हद तक स्टडी कर रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं नौ निहालान हैं, उनके कौले दिमाग में सहाबा के ताल्लुक से गलत फहमी शुकु को डाल रहे हैं कि हमने कुछ किया इनके लिए मैंने कहा कि बेटा तुमने क्या जवाब दिया कहा कि शेख हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है सोचने की बात है जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार कौन है बताइए अभी किताब मेरी नजर से गुजरी है कि आज मुस्लिम लड़के और लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रहे हैं जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार सिर्फ मां-बाप नहीं है मां-बाप के साथ-साथ जो वक्त के जिम्मेदार हैं वो भी जिम्मेदार हैं जमात के जिम्मेदार जामियात के जिम्मेदार मदारिस के जिम्मेदार मराकिस के जिम्मेदार मसाजिद के जिम्मेदार ये भी जिम्मेदार हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको भी थोड़ा आगे लेकर चलें, इन बच्चों की तरफ भी तवज्जो दें क्योंकि ये अहम उम्र होती है उसके बाद एस एस है टेंथ है ट्वेल्थ है इसमें अच्छे स्कोर करते हैं ये लोग और उसके बाद ही इनके फ्यूचर आगे बढ़ती हैं तो इनकी तरफ भी तोज्जो दें इनको भी आप लेके आगे बढ़ें अल्लाह ताली हमें और आपको सब को नेक कोफ़ी कथा फ़रमाएं हाजरीन अल्लाह से मैं दुआ करूँगा अल्लाह आपके हमारी सबकी के कद्दुकाविशों को कबूल फ़रमाए आमीन आइए मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाता हूँ हाजरीन ग्रामी मुझे जो मौजू दिया गया है जो टॉपिक दिया गया बहुत अहम है और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है वो क्या है अखला के रसूल और आज का मुस्लिम माशरा अखला के रसूल और आज का मुस्लिम मुआशरा सबसे पहली बात फितना किसको कहा जाता है फितना किसको बोलते हैं आप जरा सोचें बताएं कि फितना किसको कहा जाता है फितना क्या है जिसके ताल्लुक से मैंने शुरू में आयत पढ़ी है सुरा नूर की आयत नंबर तिरसठ साठ पर तीन अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया फलिया और युसीबादा उन लोगों को डरना चाहिए जो लोग अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वालों को डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह तला उनको फितने में मुबतला ना कर दे कहीं अल्लाह तला इनको फितने में मुबतला ना कर दें और दर्दनाक अजाब से दो चार ना कर दें यहां क्या कहा गया फितना किन लोगों के लिए फितना कहा गया कि जो लोग अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं असल फितना यही है कि रसूल की मुखालफत करना अल्लाह उसकी रसूल की मुखालफत करना ये सबसे बड़ा फितना है और यही असल फितना है याद रखो मेरे भाइयों फितना इसको कहा जाता है हर वो चीज जो आपको हमें अल्लाह से रसूल से दीन से तालीमात से तोहेद से ईमान से अकीदे से दूर कर दें या हमें अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पे चलने से सुस्त रफ्तार बना दे गाफिल कर दे पीछे हटा दे याद रखो वो हर वो हर चीज़ वो सारी चीज़ें फितना है इसीलिए अल्लाह तबरक तला ने कुरानी मजीद में क्या फरमाया अल्लाह तरमाया तुम्हारे माल तुम्हारे लिए फितना है औलाद तुम्हारे लिए फितना है तुम्हारी जोड़ियां तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए दुश्मन है फितना है याद रखो यह हर चीज फितना है यहां तक कि अल्लाह ने फरमाया कि देखो हर चीज तुम्हारे लिए फितना है अल्लाह ने फरमायाजाल नादिन फितना वजाल नादिन फितना हमने तुम में से हर एक को दूसरे के लिए फितने का जरिया बनाया है क्या तुम सब्र करोगे याद रखो हर एक दूसरों के लिए फितना है बाप बेटे के लिए आजमाइश है बेटा बाप के लिए आजमाइश है औलाद वालिदाइन के लिए आजमाइश है वालिदाइन औलाद के लिए आजमाइश है दोस्त दोस्त के लिए आजमाइश है टीचर उस्ताद जो है शागिर्द के लिए आजमाइश है शागिर उस्ताद के लिए आजमाइश है जिम्मेदार अपने मातेन के लिए आजमाइश है महकुमीन अपने हाकिमीन के लिए आजमाइश है एक पड़ोसी दूसरे पड़ोस के लिए आजमाइश है हर एक दूसरों के लिए आजमाइश है यहां तक कि हमारी तबीयत और तबियत और फितरत भी हमारे लिए आजमाइश है किसी को गुस्सा ज्यादा है कोई कान का कच्चा है कोई मुंह फुटा है हाँ। ये भी हमारे लिए आजमाइश है हा हमारी तबीयतें भी आजमाइश है करना क्या है अतस्वीर क्या तुम सबर करोगे सबर किसको कहा जाता है अपने आप को कंट्रोल करना जब तो तहमुल रखना बर्दाश्त करने को कहा जाता है सबर और सबर में ही कामयाबी है याद रखो अल्लाह तबरक ने सुरफान में फरमाया या आमनू ईमान वालो इधा तुम फियातन फसबु जब तुम्हारा मुकाबला किसी से हो साबित कदम रहो डटे रहो आज फितने का दौर है कदम कदम पे फितना है डटे रहो जमे रहो और तुम्हें क्या करना चाहिए अल्लाह को कसरत से याद करो करो अल्लाह अल्लाह को याद करोगे तुम कामयाब हो जाओगे और फिर कहा व रसूल अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना इसी में कामयाबी है और याद रखो अल्लाजाऊरी हु इन सोबरीन तनाजा मत करो निजामत करो इख्तलाफ मत किया करो और इख्तलाफ को खत्म करने का वाहि जरिया क्या है एक अल्लाह उसके रसूल की तात करो अल्लाह उसके रसूल की तात में इख्तिलाफ खत्म होगा आज लोग कहते हैं कि तोहिद की बात करो तो इख्तलाफ हो जाएगा हमें बात समझ में नहीं आती है तोहहीद की बात करने से इख्तलाफ कैसे होगा तौहीद तो एक का नाम है तोहेद में इतिहाद है तोहहीद में कामयाबी है तोहिद में अमन है तोहहीद में सलामती है तोहहीद में हुकूमत मिलेगी तोहिद में खिलाफत मिलेगी तोहिद जो नहीं कुछ भी तुम्हें हाथ नहीं आने वाला है तोहहीद का मतलब एक है ना एक अल्लाह की इबादत करो इसमें क्या इख्तलाफ की बात है बोलो रसूल की रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह इसमें क्या इख्तलाफ की बात है लोग कहते हैं कि यहां पर इतवा तोहहीद की बात करोगे तो इख्तलाफ हो जाएगा अजीब सोच है इख्तलाफ नहीं इतिहाद इसी में है इसीलिए कहा इतिहाद के लिए अति रसूलारी हु और दूसरा सब दूसरी बुनियाद इत्तेहाद के लिए वस्बिरू सबर करो बर्दाश्त करो एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलो तो ही तुम कामयाब हो सकते हो और फितने से हम तभी बच सकते हैं जब हम बर्दाश्त करें फितना क्या हुआ फितना क्या हुआ अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत असल फितना है असल फितना है और ये जो हम देख रहे हैं आजमाइश तकलीफें परेशानी हाकिमों का जुल्म महंगाई की मार है और गैरों की मुखालफतें हैं आए दिन इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं ये तो पहले भी थी ये तो पहले भी थी है ना फितना ये बहुत मामूली बात है ये आजमाइश तो होती रहेगी प्यार ने भी सल्ला वम इसी को फरमाया मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि आप सल्ला वाब कराम के दरमियान तशरीफ फरमा हुई साहबा को देखा कि वो लोग मगरिब पढ़े मगरिब पढ़ने के बाद फिर मस्जिद में बैठे हैं नबी ने फरमाया तुम अभी तक इधर ही हो कहा कि हाँ अभी तक हम इधर ही बैठे हैं सोचे हमने मगरिब पढ़ लिया आपके साथ ईशा भी पढ़ के जाए तो उसके बाद प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी हदीस से जो तो तालीमात दी है उन तालीम में से आप वसल्लम ने फरमाया कि देखो आई सहाबा तुम याद रखना मैं तुम्हारे लिए अमानतदार हूं और मैं तुम्हारे लिए अमानत दार हूं जब तक मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा तुम फितने में मुबतला नहीं होगे या सोचो तुम फितने में मुब्तला नहीं होगे फिर नबी ने फरमाया साहबा मेरी उम्मत के लिए अमानतदार हैं अमीन हैं ज़ामिन हैं जब तक मेरे सहाबा इकराम होंगे मेरी उम्मत फितने में मुब्तला नहीं होगी जब साहबा खत्म हो जाएं मेरी उम्मत में फितना आ जाएगा जब मैं यहां से चला जाऊं तो मेरे सहाबा इकराम में फितना आ जाएगा बताओ ये कौन सा फितना है के नबी के जमाने में सहाबा इकराम को मारा नहीं गया पीटा नहीं गया तड़पाया नहीं गया तरसाया नहीं गया और उनका समाची बाइकाट नहीं हुआ हर तरह की तकलीफों से दो चार किया गया लेकिन इसको असल फितना करार नहीं दिया गया है कि नहीं नबी ने क्या फरमाया मैं हूं तो तुम्हें फितने में दो चार नहीं किया जाएगा लेकिन साहबा को तकलीफ दी गई है क्या फितने का मतलब है साहबा के बाद ताबीन को तकलीफे दी गई है साहबा को तकलीफ दी गई है असल फितना यह है कि जब साहबा चले जाए तुम बेदीन बन जाओगे बेहदीन बन जाओगे और एक बात याद रखना मेरे भाइयों आज इस्लाम दुश्मन अनासिर ये चाहते हैं कि हमें इस कहते हैं कि देखो ये फुला फुला आएगा तो मुसलमानों को यहाँ इंडिया से निकाल दिया जाएगा कहाँ निकालेंगे हाँ 30-35 करोड़ मुसलमानों को कहाँ निकालेंगे वो नहीं चाहते हैं ये तो उनकी पुकार है कि मुसलमानों को यहाँ से निकालना नहीं चाहते हैं मुसलमानों को इस्लाम से निकालना चाहते हैं बात समझ मुसलमानों को इस्लाम और ईमान से निकालना चाहते हैं वो मुल्क से निकालना नहीं चाहते हैं इसीलिए अल इल्म लिखते हैं जब हमारी और आपकी आजमाइश हो दीनों ईमान के खातिर आजमाइश हो तो हमें और ज्यादा दीनदार बनना है दीन बेजार नहीं बनना है दुश्मन चाहते हैं कि हम दीन बेजार हो जाए तो वो कामयाब हो जाएंगे हमें क्या होना है दीनों ईमान की खातिर आजमाइश हो तो दीनदार बनना है हाजरीन नबी के किरदार के जिम में इन बातों की क्या जरूरत थी नबी के अखलाक अखलाक के रसूल और आज का मुस्लिम माशरा आज का मुस्लिम माशरा नबी के अखलाक से दूर है यह बहुत बड़ा फितना है नबी के अखलाक से दूर होना एक बहुत बड़ा फितना है इसीलिए मैंने बुनियाद में यह बात कही है अब आइए प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आज के मुस्लिम समाज के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करता हूँ मैंने दूसरी आज जो पढ़ी है सूरत की आयत नंबर 21 है अल्लाह तबरक तआला ने फरमाया लक़द लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन है बेहतरीन मॉडल है बेहतरीन आइडियल है बेहतरीन नमूना है आइडियोलॉजी किस में है सल्लल्लाहु नबी वसल्लम में है आइए मैं आपको दुनिया वालों की जबान में समझाता हूँ दुनिया वालों यानी अंग्रेजी जबान और जो लोग कुछ अंग्रेजी अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं ना और आजकल तो माजरत के साथ ब्रदर्स का फितना बहुत सर चढ़ के बोल रहा है याद रखो मेरे भाइयों दीन इस्लाम की तीन मारिफत है बहुत ज़रूरी है ये दिन को दीन के उसूलो मरातब कहा जाता है दीन के उसूलों मराब कहा जाता है दीन के उरातब तीन है और वही कबर के तीन सवाल हैं और सारे अकीदे का खुलासा इसके अंदर है सारे अकीदे का खुलासा इसके अंदर है एक है रब तो की मारिफत रब की मारिफत और मारिफत का क्या मतलब है तफसील के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा इतने आसानी से नहीं याद रखो दूसरा है नबी की मारिफत दूसरा है नबी की मारिफत और तीसरा है दीन इस्लाम की मारिफत कब्र में क्या सवाल होगा तुम्हारा रब कौन है रब की मारिफत तुम्हारे नबी कौन है नबी की मारिफत तुम्हारा दीन क्या है दीन इस्लाम की मारिफत यही है सलासा है यही दीन के और मरातब है यही अकीदे का खुलासा है यही कब्र के सवालत है इसी में आपके लिए नजात मुजमर है याद रखो अगर आपने ये नहीं पढ़ा नहीं मालूम किया तो आपने कुछ नहीं किया ये आपको करना है अब इसमें तीन चीजें है ना तीन बातें हैं एक है रब की मारिफत इसको कहा जाता है बिलीव और फेथ बिलीव और फेथ जिसको और जरा ऊंची इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन है ये उसके बाद नबी की मारिफत ये क्या है ये है आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी आपको आइडियल किसको मानना नबी को और दीन इस्लाम की मारिफत ये क्या मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी यानी मेथड आपको कौन सा फॉलो करना है नमाज पढ़ना रोजा रखना हज करना जक़ात देना है अकीदा है ईमान है नजर है दात तबलीग है इस्तेदाल इस्तलाल फिक्र है हर चीज में आपको कैसे करना है हदीस पढ़ना है कैसे पढ़ना है समझना कैसे समझना है समझाना कैसे समझाना है दात तबलीग का काम करना, कैसे करना है, नजर फिक्र इसल कैसे करना है नमाज पढ़ना रोजा रखना हज करना सका देना कैसे करना है तिलावत करना दुआ करना दरुद पढ़ना कैसे करना है यह सारा तरीका आपको कहा मिलेगा इस्लाम यह क्या है आपके लिए यह मेथोड है मैथोडोलॉजी है इस मैथोडोलॉजी को कैसे किस तरीके से अंदाम जान जान देना आपको कहां मिलेगी नबी के तरीके से नबी के तरीके में आइडियोलॉजी है और रब की मारिफत खुलासा है अब यहां पर कहा गया फी हसाना। तुम्हारे लिए वसल्लम में बेहतरीन है तो हमें नबी को उसवा बनाना है और नबी हमारे लिए उस हर एतबार से एक बाप के लिए नबी उसवा है एक माँ के लिए नबी उसवा है औलाद वाली दाइन के लिए नबी उसवा है एक कायद और लीडर के लिए नबी उसवा है एक टीचर के लिए नबी उसवा है और एक महकूम के लिए नबी उ है हाकिम के लिए नबी में मॉडल आइडियल है एक ताजर के लिए नमूना है एक फाते के लिए नमूना है एक फौज के लिए नमूना है और एक बेटे के लिए नमूना है शौहर के लिए नमूना है बीवी के लिए नमूना है एक तालिब के लिए नमूना है हर एक के लिए अल्लाह के रसूल नमूना है और यही तो इस्लामी है है ना इस्लामी क्या है अखलाक के रसूल और आज का मुस्लिम माशरा माशरा किससे बनता है भाई औलाद से वाल से ताजिर से हाकिम से महकुम से टीचर से स्टूडेंट से इन्हीं से तो बनता है ना हर एक के लिए नबी बेहतरीन नमूना रखते हैं यहां पर एक बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा एक फितना है जिसको फितनाए खानी कहा जाता है फितनाए खानी दिल्ली में एक साहब इंतकाल कर गए उनका यह कहना था अल्लाह हिफाजत फरमाए बहुत सारे लोग ये खान जो खानी फितना है ना आप समझ रहे हैं उलामा समझ रहे हैं आज हर चीज़ को आज़ाद के साथ बोलना थोड़ा मुश्किल भी है हाँ तो खानी फितना फला खान जिनको अल्लाह ताला गरी के रहमत फ़रमाएँ बाल बाल मकफ़रत फरमाएँ शेख उह हदीस उस्ताद मोहतरम ज़हिरुद्दीन रहमानी असर रहनवासिया के मान में वो एक मनहजी आदमी थे और मनहज को लेकर आगे बढ़े थे अल्लाह रहमत ररमाए वो का करते थे भाई वो डब्लू खान है आपको पता नहीं है क्या कहते थे डब्लू खान हाँ तो वो खानी है तो बहरहाल देखो क्या कहना इनका कहना यह है अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द खान लकुम्फी रसोल्ला हसाना हसाना अच्छा यानी नबी तो गुड मॉडल तो है बेस्ट मॉडल तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है सुबह अल्लाह कितनी बड़ी बात है कुफर है कुफर है मेरे भाइयों। कहा के देखो बेस्ट मॉडल है कंप्लीट मॉडल नबी नहीं है नबी के बाद हम आए हैं कंप्लीशन के लिए नौसिबिल्ला नौसिबिल्ला कितनी बड़ी बात है बेस्ट किसको कहा जाता है भाई जो कंप्लीट उसी को तो बेस्ट कहेंगे ना आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं कोई आकर कहेंगे बेस्ट है कब बेस्ट होगा भाई जब कंप्लीट हो जाए हाँ कंप्लीशन के बाद ही बेस्ट के पहुंचता है ये बेस्ट ये कंप्लीशन से भी आगे है आपको समझना है ये मनहजी बातें हैं इल्मी बातें हैं आपको समझना है आज ऐसे फितने बहुत सारे हैं जो हमें इस्लाम से नबी से दूर करना चाह रहे हैं हजरत ग्रामी प्यारे नबी वसल्लम हमारे और आपके लिए बेहतरीन नमूना है शायर की जबानी न तहरीर से मुमकिन न तकरीर से मुमकिन वो तहरीर से मुमकिन न तकरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे हैं आज किरदार संवारना बहुत जरूरी है बड़े अफसोस के साथ मुझे कहने दीजिए और माजरत के साथ भी जिगर थाम के बैठे अब हमारी बारी है आज उम्मत मुस्लिमा में एक तबका है जिनके पास बेहतरीन अकीदा है लेकिन अखलाक नहीं है बहुत माजरत के साथ और एक तबका जिनके पास बेहतरीन अखलाक है अकीदा नहीं है अकीदा नहीं है मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा अकीदा और अखलाक के बाहमी रब्त क्या है आज हम लोग समझते हैं कि अकीदा ही सबसे अहम है अकीदा सही है तो हम सीधा जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत के टिकट हमने जेब में ले रखा है और सबको हम जानम रसीद कर देते हैं याद रखो मेरे भाइयों माजिरत के साथ ही यहूदिया ना सोचे यहूदी लोग क्या कहते थे भाई नबना वाहिबा हम अल्लाह के बेटे अल्लाह के चाहते हैं हम कितने भी गलती कर ले जन्नत हम न, हम जाएंगे ही जाएंगे जन्नत का ठीका हमने ले लिया है अगर हमने बहुत गुना कर दिया तब भी जहन्नम में चंद दिनों तक जाना है अय्या मम्मा दुदात हा? हम यही कहते हैं मेरे भाइयों हमें सोचना चाहिए कि हम किस नगर पे जा रहे हैं नबी ने फरमाया तुम यहूद नसारा के डगर पे जाओगे आज एक जमात के पास इल्म है तो अमल नहीं है और एक के पास अमल का बड़ा जज्बा है इल्म नहीं है। हा? इल्म नहीं नहीं है, है, जिनके पास इल्म है अमल नहीं है देखो नसारा के पास अमल का जज्बा था इल्म नहीं है वो क्या हो गए वो लोग जालीन है गुमराह हो गए भटक गए इल्म के बगैर अमल बेकार है और याद रखो यहूद के पास इल्म था नॉलेज था अमल नहीं था तो हम इस एतबार से भी क्या हो रहे हैं योदो न सारा की तकलीद कर रहे हैं उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं याद रखो मेरे भाइयों अकीदा और अखलाक ये बहुत अहम है दोनों के बाहमी रब्त बहुत ज्यादा है लेकिन हमने इसको फरामश कर दिया आइए मैं आपको बताता हूं नबी हमारे लिए मॉडल है नबी की सीरत के हवाले से बताता हूं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया गारेरा में प्यारे नबी सरमा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाहल फरमा है हिरा में पहली वही नाजिल होती है पहली वही नाजिल होने के बाद आप घबराए हुए आप घबराते हुए खदीजा के पास तशरीफ लाते हैं और क्या कहते हैं ख़शीतु तो अला नफ्सी लगत तो अला नफसी मुझे जान का डर हो रहा है शायद मैं खत्म हो जाऊं खदीजा ने क्या कहा मेरी माँ और बहने सुने मेरी माँ और बहने कान खोल के सुन ले शौहर को कैसे सपोर्ट करना है शौहर को कैसे हिम्मत देना है और शौहर को कैसे आपको थामना चाहिए नशा पिला के गिराना तो सबको आता है हा? नशा पिला कर गिराना तो सबको आता है कमाल तो यह है कि गिरतों को थाम ले साकी हाँ आपको सपोर्ट करना चाहिए हमारे और आपके बीवी होते तो क्या बोलते थे मालूम क्या जी तुम्हें जाके वहां बैठ गए सो वहां जंगल में जाके गार में क्या की हो गया तुम ना

खदीजा ने कहा कि नहीं और अरबी ग्रामर के हिसाब से एक जुमले पे जितना जोर लगाया जा सकता है एक जुमले पे जितना जोर जितनी ताकीद लगाई जा सकती है खदीजा ने वो सब कुछ इस्तेमाल किया है पहले का कल्ला ये पूरा आधा मसला हल हो गया कल्ला हर किस ऐसा होने वाला नहीं है और उसके बाद का अबशिर अब इसका इस्तेमाल जो अरब दुनिया में रहते हैं उनको पूछ लो अबशिर कब कहते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूं और तहदी से नहमत के तौर पर अलहमद ला मैं जो पी कर रहा हूँ तो दतूरा में पी में मैंने टॉपिक लिया अगरचे अरबिक लैंग्वेज और डिपार्टमेंट भी इंडियन डिपार्टमेंट है लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके लिया कि दीन से रिलेटेड हो अर कवादिया इस्तम शराया

अरब के लोग कहते मतलब अब खुश हो जाओ सब इंतजाम है हैं आपकी जो जरूरत है, है सबसे पहले उसको कहने के लिए के अब फिर लाकर हाजिर करते हैं आप परेशान मत हो जाओ खदीजा ने कैसे तसली दी अब शिर कहा कल्ला का यही बार बात रुकी नहीं आगे का वह अल्लाह की कसम फिर ला इस्तेमाल की अल्लाह अकबर फिर का के साथ साथ अंता भी है अल्लाह अकबर जो अरबी ग्रामर जानते हैं कितनी ताकीद के साथ खदीजा ने सपोर्ट किया है उसके बाद देखो खदीजा ने जो गिनाए औसाफ अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा क्यों क्यों अभी अकीदे की बात नहीं आई वही अभी कहा अभी तो पहले वही नाजिल हुई है तोहीद के अकीदे की बात अभी नहीं आई मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं हाँ नहीं आई खदीजा ने नबी के जो अवसाफ गिनाए थे वो सारे के सारे अच्छे अच्छा अखलाक थे सारे के सारे अच्छे अखलाक खिदमत खल सोशल एक्टिविटीज थी कहा कि अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा आप भी उम्मत मुस्लिम आज अपने आप को जाये से बचाना चाहते हो जिया से बचाना चाहते हो यहां पर इंडिया में अपने वजूद को मनवाना चाहते हो नबी के इन 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 अवसाफ को अपना लिया करो खदीजा ने कहा कि देखो आप गरीबों का आमदर्द है आप बेकसों के आप सारा सपोर्टर बनते हैं आप कमा कर नादारों को देते हो सही बात कहते हो हक का साथ देते हो रिश्ते नाते को जोड़ते हो मेहमान नवाजी किया करते हो हक के लिए सपोर्टिव बनते हो और हर एक के बोझ उठाया करते हो बताओ ये अखलाक नहीं तो और क्या है ये अखलाक मेरे भाइयों अब आओ प्यारे नबी वसल्लम के नबी बनने से पहले भी आपके अखलाक को पेश किया गया नबी बनने के बाद नबी जब नबी बन के आए अल्लाह ने कहा कि देखो तीन साल तक छुप छुप कर दात तबलीग का का काम किए तो नबी की दावत समय क्या मिलता तरीका कि माहौल जब साजगार ना हो तो दात तबलीग का का काम छुप छुप के करना चाहिए कोई इस्लाम कबूल कर रहा है आपने पूरे टीवी में वीडियो में यूट्यूब में दिखा दिया नहीं ये नबोवी तरीका नहीं है याद रखो होंगे अपनी जगह पर बड़े डॉक्टर मास्टर बैरिस्टर जो है होंगे लेकिन याद रखो आपको नबवी दावत का तरीका सीखना तो उलामा के पास आओ याद रखो यही आपको सही तरीका दे सकते हैं मैंने शुरू में बता दिया आइडियोलॉजी मेथोलॉजी कैसे लेना है छुप छुप कर दावत तबलीग के काम तीन साल नबी अंजाम दिए उसके बाद जब माहौल साजगार हुए अल्लाह ने फरमाया फसदा बिमा तोमर ऐ नबी अब आप डंके के चोट का हो अब आपको अल ऐलान दात तो और तबलीग का काम करना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए उस जमाने का मीडिया का इस्तेमाल किया है अब बताओ आज हमारे पास मीडिया कितना है मुसलमान बताओ तुम्हारे पास मीडिया कितना है तुम्हारे पास मीडिया में रोल अदा करने वाले कितने लोग हैं नहीं है नबी ने उस जमाने का मीडिया मीडिया किसको कहा जाता है भाई बात दूसरों तक दूर तक कम वक्त में पहुंचा देना कम वक्त में दूर तक बात पहुंचा देना वो मीडिया है उस जमाने का मीडिया था सफा की पहाड़ी मक्के में सफा की पहाड़ी अहम बात बताना होता देना होता। और, और नबी ने उस मीडिया का इस्तेमाल किया लेकिन मीडिया की गलतियों को छोड़ दिया उस जमाने में क्या होता था कोई अहम बात बहुत खतरनाक बात बताना हो अहम बात बताना हो तो कपड़े निकाल के वो क्या कहते थे अनन नदीरुलरियान मैं नंगा डराने वाला लोगों जमा हो जाओ मैं नंगा डराने वाला नंगा डराने वाला सब आ जाते बहुत बड़ी बात होने वाली है नबी ने कपड़े नहीं उतारे मीडिया की गलतियों को छोड़ दिया नबी ने फरमाया अनन नदीर मुबीन मैं खुल्ला डराने वाला मैं खुल्ला डराने वाला आओ आओ मेरी बातें सुनो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहकर सारे लोग जमा हुए जमा होने के बाद नबी ने पहले क्या पेश किया पहले अकीदा नहीं पहले आपने अखलाक पेश किया आप सोचेंगे क्या भाई कौन सा आलिम आ गया अब तक तो हमने सुने अकीदा तो ही दे हम है यहां देखो तो पहले अखलाक अखलाक बोल रहे हैं नबी ने इनके सामने पहले अपने कैरेक्टर को पेश किया कहा आई मक्के के वासियों तुमने मेरी जिंदगी के चालीस साल के चालीस पन्ने देखे हैं बताओ मेरे चालीस पन्नों में कोई दाग धब्बा तुमने देखा है मैंने कभी झूठ कहा किसी को धोखा दिया चोरी किया डाका डाला जिना किया शराब पिया मेरे अखलाक पे कोई धब्बा है सबने क्या कहा नहीं, नहीं माचरबना हमने कभी आप पर झूठ को आजमाया नहीं है नबी ने सबसे पहले क्या पेश किया है अपने अखलाक किरदार को पेश किया है याद रखो मुसलमान भाइयों आज नबी के ये अखलाक और मुस्लिम माशरा आज कहां गया है बताओ आज हर मुसलमान ये कह सकता है मेरे अखलाक को देखो और दात और तबलीग में पहली बात अल्लाह ने ही फरमाई सिरफ सिलत में अल्लाह ताला ने आहले इस्तेकामत के ताल्लुक से बयान फरमाया إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ها उनके फायदे जन्नत की नेमतें, फरिश्ते उनके कारसाज हैं फरिश्ते उनके दोस्त हैं फरिश्ते उनके मुहाफिज हैं उसके बाद बताया जन्नत ने तुम्हारे लिए नेमतें हैं उसके बाद कहा कि अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी होगी कहा कि अल्लाह की तरफ बुलाने वालों की बात सबसे अच्छी होती है और वो जो सबसे पहले अमल करता है अमल करता है अमीला कौल इ मुसलमिन और वो बवांगे दोहल कहता है मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो आज बताओ मुसलमान बाप ये कह सकता है मुसलमान को देखना चाहते हो मुझे देखो मुसलमान औलाद ये कह सकती है मुसलमान औलाद को देखना चाहते हो हमें देखो मुसलमान वालिदैन ये कह सकते हैं मुसलमान वालिदैन को देखना चाहते हो हमें देखो मुसलमान कायदो लीडर ये कह सकते हैं मुसलमान कायदो लीडर और जिम्मेदार देखना चाहते हो हमें देखो मुसलमान जो वो कह सकते हैं मुसलमान महाकुम को देखना चाहते हो हमें देखो मुसलमान कह सकते हैं अगर मालिमिन को देखना हमें देखो मुसलमान तलबा कह सकते हैं मुसलमान तलबा को देखना हमें देखो मुसलमान ताजिर ये कह सकते हैं मुसलमान ताजिर को देखना हमें देखो मुसलमान लॉयर मास्टर को देखो हमें देखो। मकानदार ये कह सकता है मुसलमान को देखना हमें मुसलमान है को देखना हमें देखो आज तो हम खुद कहते हैं कि सौदा मुसलमान के दुकान से नहीं वो गैर के दुकान से ले लो क्यों वो अच्छा देता कीमत कम लेता धोखा नहीं देता है हमारे लोग ते हैं बोलते हैं नहीं बोलते जब हम ही बोलते हैं भाई हमारा ये एक्सपीरियंस है अब बताओ नबी के अखलाक और ये मुस्लिम समाज कहां है कहां ये समाज आज नबी के वो अखलाक नहीं है वो किरदार नहीं है नबी की वो बातें नहीं है आज मुस्लिम समाज और पुकार पुकार कर ये ये कह रहा है दौर अपने बराहिम की तलाश में है ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इला इल्लल्लाह आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदा से गुलिस्ता पैदा मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग भाइयों माँ और बहनें हमें चाहिए कि नबी के और किरदार को हम अपनाएं हजरीन अखलाक की अहमियत और फजीलत में बताऊं बात बहुत दूर तक जाएगी मुझे वो नहीं कहना है मुझे यह कहना है कि नबी के अखलाक और मुस्लिम समाज अखलाक देखो यहाँ पर उलामा हदीस के मुत मौजूद हैं उनको पूछो हदीस के राबी सिका होने के लिए बुनियादी शर्त उसके अखलाक अच्छे हो है कि नहीं अखलाक का मैार देखो जिस रावी बहुत जहीन है काबिल है सब कुछ हैं लेकिन उसके अखलाक ठीक नहीं है वो शिकारावी नहीं है शिकारावी नहीं है अखलाक का ये ऊंचा मुकाम है मेरे भाइयों, इस्लाम ने अखलाक को ईमान के साथ जोड़ दिया कहा कि ईमान का तकबिला ईमान के कंप्लीशन है अच्छे अखलाक

जो रोजेदार है नमाजी है उससे भी ऊंचा मुकाम हासिल करता है अच्छे किरदार वाले अल्लाह अकबर ये अखलाक किरदार के मुकाम मरतवा मेरे भाइयों लेकिन आज सबसे ज्यादा बद अखलाक बद कैरेक्टर कौन है मुसलमान है हम खुद कहेंगे मुसलमान है अखलाक नापीद है अच्छे कैरेक्टर नहीं है जबकि प्यारा नबी वसल्लम ने अखलाक को ही नेकी का मार करार दिया फरमाया बिर हुस्नुल खुल्क के नेकी का सर चश्मा ही है अच्छे अखलाको किरदार और मैं आपको खुलासे के तौर पर सारी बातों को निचोड़ के तौर पर पेश करूं तो याद रखे मेरे भाइयों इस्लाम की सारी तालीम दो हिस्सों में डिवाइड है एक है हुकल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद अल्लाह के हक जो इबादात हैं और हुकुल इबाद ये अखलाक तो है और क्या है बोलो अखलाक ही तो हैं बहर मुझे और ज्यादा अखलाक की फीलत में नहीं बताना है आइए चंद बातें में नबी के मुख्तलिफ अखलात और हैसियत के अतबार से ये टॉपिक बहुत वसी है बहुत वसी हैं नबी को एक एक हैसियत से लेकर हम आगे बढ़ा सकते नबी का अकीदा नबी का मनहज नबी की इबादत नबी के तौर तरीके और नबी के सफ़र और इस एतबार से नबी के अखलाक नबी बाप की हैसियत से नबी औलाद की हैसियत से नबी लीडर की हैसियत से नबी एक हाकिम की हैसियत से नबी एक टीचर की हैसियत से हर एतबार से शौहर की हैसियत से नबी में बेशुमार हमारे लिए नमूना है लेकिन हर हैसियत का जायजा लेने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है हजर नगरामी प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के चंद बातें मैं आपके सामने रख देता हूं कि नबी के अखलाक व किरदार क्या थे अल्लाह अकबर आज मुस्लिम नौजवान भाइयों से मैं सबसे पहले एक बात यह कहना चाहूंगा कि आज हम लोग आपे से बाहर हो जा रहे हैं आज नौजवान देखो चंदयाम कबल कुछ एक तंजीम पर पाबंदी लगाई गई हाँ आप जानते हैं एक तंजीम पे पाबंदी लगाई गई अब याद रखो इस तंजीम से जुड़े हुए जो नौजवान हैं कभी इन्होंने उलामा उलामा से से डिस्कस किया मशवरा लिया कि हालत हाजिरा में जैसे के तैसे वाला मामला नहीं है क्या करना है सबर वहमल जरूरी है मक्के में साबाक्राम को नबी को सताया जाता मारा जाता पीटा जाता कभी कभार वो लोग आपे से बाहर हो जाते तो नबी क्या कहते थे सबर करो आले यासिर देखो एक होता आपको अलग से मारा जाए अलग से सताया जाए कोई देखने वाला नहीं है तकलीफ कम होती है लेकिन आपको आपकी बीवी के सामने मारा जाए आपके बच्चों के सामने सताया जाए और माँ को बेटे के सामने बीवी को शौहर के सामने शोहर को बीवी के सामने आल यासिर में ही होता था सबको शोहर बीवी बच्चे एक साथ मिलाकर उनको तकलीफ दी जाती थी प्यारे नबी गुजरते क्या कहते सबर करो सबरन सबरन या अला यासिर मोहद को जन्ना सबर करो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है नबी ने एक नहीं कहा कि चलो तलवार निकाल लेते हैं हम रास्ते पर उतर जाते हैं फुला करते फुला करते नहीं कहा और देखो जब हम ये बात कहते हैं नहीं क्या कहते मालूम सरफ्रे नौजवान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नबी के, के अखलाक और ये नौजवान आज तबका बहुत अहम तबका है क्या कहते मालूम है इंडिया के उलामा डरपुख सऊदी के उलामा बिके हुए सऊदी के उलामा वो गवर्नमेंट से आता लिख को पढ़ के सुनाते क्या अभी अपनी तरफ से बोल नहीं सकते क्या मालूम आपको बताओ हमें एक घर चलाना नहीं आता उनको एक मुल्क चलाना है हमें एक घर चलाना नहीं आता उनको एक मुल्क चलाना है मामूली बात नहीं है कि इंटरनेशनल पैमान क्या होते हैं इतने लोगों को हाजियों को सिक्योरिटी देना है और सुपर पावर के साथ चलना भी है यह सब हिमत आमली है एक मुल्क चलाना उतनी आसान बात नहीं है और आज के माहौल में दीन इस्लाम तोहीद पर जमे रहकर कहते सऊदी ऊलामा बिके हुए हैं इंडिया के उलामा डरपुक है और पूरा इस्लाम पूरी बातें इनके अंदर आ गई हिम्मत इनके अंदर आ गई नबी के अखलाक मैं आपको बताता हूं जब नबी हिजरत करके मदीना जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर गारे सौर में छुपे हुए थे है ना एक काफिर ढूंढता हुआ कितना करीब आया इतना करीब आया कि पैर की तरफ देख लेगा तो वो दोनों को देख ले सकते हैं देख ले सकता है अबू बकर परेशान थे अल्लाह के रसूल अगर वो पैर की तरफ देख ले हम दिख जाएंगे लेकिन नबी का ईमान देखो तवक् देखो कहा कि अबू बकर तुम्हारा क्या ख्याल है उन दोनों के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह है सुबह अल्लाह ये तवक्ल देखो ये भरोसा देखो मैं जो बात आज करना चाह रहा हूं नबी बुजदिल थे अबू बकर बुजदिल थे नबी अबू बकर दो थे आने वाला काफिर अकेले था या हो सकता उसके साथ उसका गुलाम रहा हो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से बाहर आकर अबू बकर और नबी दोनों मिलके उस काफिर का काम तमाम कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे बोलो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे नबी ने क्यों नहीं किया क्या छुप के बैठे बुजदिल डरपुख इंडिया के उलामा डरपुख हाँ क्या डरबुख है नहीं इसको बोलते हिमत आमाली नबी ने हमत दिखाया यहां जोश से काम नहीं चलेगा होश आपको संभालना है होश बहुत जरूरी है जोश से नहीं ये लोग क्या करते हैं ट्रैप डालते हैं जाला बिछाते हैं और हम उस जाले में फंस जाते हैं जाले में फंस जाते हैं याद रखो मेरे भाईयों क्या करते है? कोई नबी के खिलाफ कॉमेंट करता कार्टून लिखता कुछ भी करता है और हम क्या करते हैं आपे से बाहर हो जाते हैं कानून हाथ में ले लेते नहीं कानून की कार्रवाई करना है कानून हाथ में लेना नहीं है गलती जो किया है उसी को सजा देना है गलती कोई किया है सजा किसी और को दे रहे हैं ये इस्लाम का तरीका नबी का तरीका नहीं है कानूनी कार्रवाई किए कानून ने इंसाफ दिया अच्छी बात है नहीं दिया तो आपको हमें परेशान नहीं होना है अल्लाह के हवाले करना सुरा हिजर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना ना कल मुस्ताजीन आई नबी आपके इस्तेजा करने वाले आपकी इंसल्ट करने वालों से हम काफी हैं अल्लाह देख लेगा अल्लाह निमट लेगा हाँ और ऐसे साइकडो मिसाले हमारे पास मौजूद है गुस्ताखान-ए-रसूल को अल्लाह ने दुनिया में सजा दिया है और वो देगा अल्लाह ताला याद रखो हमें अल्लाह के हवाले कर देना है ये नौजवानों के लिए पैगाम है इसी तरह से आइए जो लीडरान और काइदिन हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक एक लीडर और काइद की ऐसी ऐसे क्या थे आप सबको साथ में लेकर चलते थे और लीडर को चाहिए इ को चाहिए इमाम को चाहिए लीडरन को चाहिए कि सबसे पहले सबर करें और याद रखिए ये बेहतरीन आयत है इबन कमरम्ला इबन कई राह ने सारे फितनों को बयान करने के बाद कहा सारे फितनों के दरवाजे दो हैं एक है फितनातुलशहवात दूसरा है फितना तो शहवात और शुभात का फितना है शहुआत नफसानी ख्वाहिशात आरजू तमन्नाए ये तमन्ना चाहिए, हो, चाहिए हो वो चाहे ये होगा वो होगा और एक है शुभात दिमाग में शुभात भरे हुए हैं सारे फितने सारी बुराइयों के यही दो बुनियादी इसबाब हैं और इन दोनों के खातिमा कैसे हो सकता है एक ही आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और उसी आयत में इमाम और लीडर कायदिन कैसे होते हैं वो भी अल्लाह तला ने बयान फरमाया है कहा कि देखो ये जो शुभहात है शुभहा को दूर करने के लिए यकीन होना चाहिए यकीन कैसे आएगा इल्म से आएगा इल्म से यकीन आएगा हाँ और उसके बाद आपका शुबा खत्म हो जाएगा और ये जो शहवात है उसको कंट्रोल करना कंट्रोल कहा जाता है सबर तो सबर और इल्म, यकीन ये दोनों आ जाए सारे फितने दूर हो जाएंगे अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में फरमाया

ये इमाम है ये लीडर है ये कायद है सबर करना सीखो बड़ा आदमी बनने के लिए दिल बहुत बड़ा रखना है नबी ने कैसे कैसे बर्दाश्त किया कैसे कैसे सबर किया आपने शख्सियत शनासी आपके पास थी कि कौन किसका काबिल है उसको आपने वो काम दिया है तो नबी इस एतबार से हमारे लिए नबी के अखलाक आइए दो चार बातों में और भी बहुत सारी बातें थी खत्म कर देता हूं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतहर आज माशरे में देखो शोहर और बीबी की बड़ी शिकायतें हैं रिश्ते टूट रहे हैं लोग परेशान हाल हैं याद रखो मेरे भाइयों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाशियत शोहर आपके थे अल्लाह आप इतना ऊंचा मुकाम रखते हैं आप घर में बाकायदा का हाथ बटाया करते थे घर के छोटे मोटे काम काज किया करते थे बीवियों के दिल बहलाने का इंतजाम करते थे आपने खदीचा चूकी उम्र दराज थी उनके साथ उस तरह का सलूक किया है उनकी मेंटालिटी का ख्याल रखकर आयशा कम उम्र थी आपने उनको गुड़ियों के साथ खेलना और शैलियों के साथ खेलने का मौका दिया है उनको खेल दिखाने के लिए लेकर गए हैं अल्लाह अकबर ये बाहसियत शोहर नबी के ये अखलाक है आप

मैंने बचपन में वालिदा को खोया है मेरी वालिदा के माया ममता मेरे दिल में जाग उठी है मैंने अल्लाह से दरखास्त की अल्लाह मेरी वालिदा की खबर के पास जाकर दुआएं मकफिरत की इजाजत दे दे अल्लाह ने नहीं दी कहा कि आपकी वालिदा शिर्क की हालत में वफात पाई है आप उनके लिए मकफिरत की दुआ नहीं कर सकते हो इसीलिए मैं जारोकतार रो रहा हूं फिर मैंने अल्लाह से रिक्वेस्ट की अल्लाह कम अज कम मेरी वालिदा की खबर की जियारत जाकर देख कर आने की इजाजत दे दे और अल्लाह ने इसकी इजाजत दे दी मैं गया और जाके जियारत करके आया इसीलिए मैं रो रहा हूं देखो नबी एक एक की से नबी के 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 लिए भी नबी 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 में वो के को अपनाना चाहिए बड़ों की इज्जत करते थे आज देखो बच्चों में अदब नहीं है मुकाबले में

अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा बाप के बाजू ठहरा और उसके कंधे पे रुमाल है और वो रुमाल वो झटका और बेइज्जती के साथ झटका और रुमाल के धूल और डस्ट जाकर उसके बाप के जिस्म पे गिरा फा उसने अपने बाप की नाफरमानी की हा? ये है वो अखलाक बताओ प्यार नबी सखलाक आज औलाद में नहीं है आज हम औलाद को तालीम तो दे रहे हैं तरबित नहीं है अखलाक नहीं है औलाद की से इस से इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाप की इस इस से बेहतरीन नमूना रखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो फातिमा को कैसे समझाते थे आज बापों को कैसे बनना है कभी फातिमा और अली में क्या होता था फातिमा और अली में क्या होता था कभी आपस में झगड़ा हो जाता था फातिमा नाराज़ होके आ जाती थी पैर भी अलैहि वसल्लम क्या करते थे उनको बाज़ू बिठाते अली को भी बुलाते बाजू बिठाते दोनों को समझाते कहते बेटी शौहर का घर ही असल घर है वहाँ जाके तुमको रहना है शौहर के कदम तले जन्नत है सब्र करो बर्दाश्त करो हम क्या करते बोलो बेटी अगर आ गई नाराज़ हो हाँ तो किसकी बेटी मालूम है क्या अच्छा तेरे ससुर ने यह कहा सास ने वो कहा हरगिज नहीं होता हम बेटियों को बढ़ावा देते हैं नहीं उनको समझाना है बेटों को समझाओ बाप ऐसे बनना है नबी से आपको चाहिए कैसे अखलाक किरदार ले नबी टीचर और माल्म थे कैसे आपके अखला कर देखो अल्लाह अकबर अन सदी अल्लाह तनु है फरमाते हैं दस साल मैंने उनकी खिदमत की कभी ना डांटा डपटा ना मारा पीटा अल्लाह अकबर मैंने इसे मालम देखा ही नहीं है याद रखो मेरे भाइयों तरबियत के लिए मारना जायज है तालीम के लिए मारना जायज नहीं है तरबियत के लिए नबी ने क्या फरमाया बच्चे दस साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारो तालीम के लिए कहीं है शायद मेरे इल्म के मुताबिक तो नहीं है तरबियत के लिए है लेकिन उल्टा है हम आज क्या करते हैं बच्चा ट्यूशन नहीं गया स्कूल नहीं गया मारते हैं लेकिन नमाज छोड़ा है तो नहीं बच्चा सोया है बहुत रात तक जागा स्टडी किया है फजर में मत जगाओ अल्लाह कह रहा है कि वस्तईनु यहां है कामयाबी यहां है नमाज छोड़ के आपने बैठा बिठा दिया आपने जगाया नहीं कल क्यामत के मैदान में ही औलाद आपको ले जाकर अल्लाह के बारगाह में हाजिर कर देगी मेरे वालदाइन ने समझाया नहीं याद रखो मेरे भाइयों हमें चाहिए प्यारा वसल्लम कि हर एतबार से हर एंगल से नबी के अख्लाक को अपनाए आखिरी बात एक मिनट में खत्म कर देता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाकिम की हैसियत से एक लीडर की हैसियत से आप कैसे थे एक हाकिम और लीडर की हैसियत से जब आपने मक्का को फतह किया आप मक् मदीने में आकर हुकूमत कायम की तो आप देखो अदल के साथ अदल किया इंसाफ किया हर एक को आपने हक दिलाया है अल्लाह ने अल्लाह का हक अल्लाह को दिलाया अल्लाह के बंदों का हक अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने दिलाया है हर एक को हक दिलाया है चरिंदे परिंदे दरिंदे फिजा माहौल कायनात हजर शजर हर एक को अल्लाह के रसूल ने हक़ दिलाया है खालिक को भी हक दिलाया मखलूकात को भी हक़ दिलाया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये एहसानात है इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने एहसान किया है लकद मिन लकदम्ला लोगों में मोमिनों में हमने जो एक रसूल को भेजा है उन पर बड़ा एहसान है नबी को रसूल को हमें चाहिए रबी अव्वल का महीना चल रहा है हमने नबी की जात से तो बड़ी मोहब्बत की है लेकिन नबी की बात को हमने भुला दिया है हाँ नबी की भी मानो और नबी का भी मानो नबी को तो हमने माना है लेकिन नबी की हमने नहीं माना आज हमने नबी की पगड़ी तो ले ली है नबी का नाम आते ही अंगूठा चूम तो लिया है लेकिन नबी का اخلاق हमारे पास है नबी का तौर तरीका है नबी का اخلاق का अकीदा हमारे पास है नबी का manhaj हमारे पास है याद रखो मेरे भाई खुलासाए कलाम में आपको ले आ र, 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 रहा हूं हर वक्त हर हर तारीख में गवाह है हर قوم में हर उम्मत में उम्मत उस वक्त ज़वाल पजीर हुई गुमराह हो गई जब सिर्फ नबी की जात को पकड़ ली नबी की बात को और तालीमात को मिशन को तहरीक को छोड़ दिए हैं याद रखो आज जरूरी है कि आज हम नबी की जात और नबी की बात दोनों को साथ लेकर चले तो ही कामयाब हो सकते हैं और यही गोया के सारा खुलासा है कि अखला रसूल और आज का मुस्लिम समाज और सोसाइटी माशरा आज वो अखला किरदार नहीं है याद रखो वो सलफ़ का दौर था गैर गैर अपनी बहन बेटियों को औरतों को अपने लोगों से बचाने के लिए कि जंग चल रही है मुसलमानों के पास रखते थे कि आप हिफाजत करोगे आपके पास अमानत दारी है और यहाँ पर भी सरजमीन में भी वो बहुत सारे वाकयात हैं मुसलमानों पर इतना भरोसा था लेकिन आज हमारे अखलाक किरदार नहीं है क्योंकि गैर पहले हमें देखते मुसलमान को देखते इस्लाम हदीस पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते हैं पहले हमारे अखलाक किरदार को देखते हैं ये अखलाक गोया के खुल के सामने आता आते हैं अखलाक के ज़रिए से ही सब कुछ आप दिखा सकते हैं साबित कर सकते हैं अकीदा एक अंदरूनी चीज़ है और उसके मज़ाहिर है अखलाक मेरे भाइयों याद रखिए मैं खुलासे के तौर पर ही आपके सामने रख रहा हूँ अखलाक और अकीदा दोनों बाहमी है अक़ीदा ये अंदर की गोया की ताकत और क़ुत है और उसके जाहिर हथियार हैं यही अखलाक और किरदार यही लोग देखते हैं और तालीमात तो कुरान हदीस में है आपको देख कर राय क़ायम करते हैं और इसी के जरिए से प्यारा नबी वम ने सारी दुनिया पर राज किया है उखरों ने ओला पे उन लोगों ने वही किया वो जमाने में मज्ज़ थे मुसलमा होकर और हम खार हुई है तारीख़ कुरा होकर अम्मा आयशा ने फरमाया कि नबी के अखलाक क्या है तो कहा कि काना खुलकुल कुरान कुरान को हमने छोड़ दिया नबी की तालीमात को छोड़ दिया फितने में मुतला हो गए यही असल फितना है दो हरबुलमीन से अल्लाह तबरकता हमें और आपको इनके सुनी बातों पर अमल की तोफ़ी कता फरमाए इलामीन जो बातें कही गई अल्लाह ताला इसमें कोई गलत बात है वो मेरी तरफ़ से शैतान की तरफ से अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और जो बातें सही अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तोफ़ी अता फरमा इलाल आलमीन वाकई मान मुसलमानों को प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और बात दोनों पर कोनों पर अमल करने दोनों को मानने नबी के अखलाक किरदार को सही माने में अपनाने और दूसरों तक पहुँचाने की अता फ़रमाएं आमीन या रब्बल आलाम जजाकमल्ला खैरा मैं आखिर में आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने याद किया और अब तक मुझे बर्दाश्त भी किया है आप सबको जमात और जमीयत के जामिया के मस्जिद के और यहां रायदुर के सारे जिम्मेदारान और हाजरीन सामी सामियत का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला आपके आने को मिल बैठने को कबूल फरमाए सब के दिलों की जायज़ मुरादों का तमन्ना को पूरा फरमाए अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा बीमारों को शिफाई कुल अता फ़रमा और जो लोग अफात पाए उनके बाल बल मकफ़रत अ फ़रमा उनको पसमानदागान को सबर दे अजर दें जब दुनिया में रखना ईमान अमान के साथ रखना सारे मुसलमानों की जान माल इज़्ज़्ज़्ज़्त अबरुद्दीनों ईमान अहलोयाल की हिफाजत फरमाना जब तक दुनिया में हो हु, अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा कबर में साबित कदमियत फ़रमाना हौज कौसर से पीकर नबी की शफात और फाकत में से फ़रमाना जन्नतफिरदाउस का अला में जगह इनायत फरमाना आमीन रब्बिल वाख्रुदादिल्लबीआम खैरा